जिस तरह से पिछले दरवाजे से आकर उद्धव ठाकरे 2.5 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे थे, सरकार गिर जाने के बाद अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे कोई वैसा ही दरवाजा खोज रहे हैं। इसी वजह से एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद वे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जा पहुंचे। तर्क यह कि कोर्ट उन सभी 16 विधायकों को सस्पेंड करे जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी नाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना को बैरंग वापस लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी, तब महाराष्ट्र से संबंधित बाकी अर्जियों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने लगाई थी। उद्धव खेमे ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ना दे, तब तक विधानसभा में नई सरकार के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई जाए। सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले सोमवार को दिए आदेश की दुहाई दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा था, लेकिन वहां नई सरकार ने शपथ भी ले ली। उद्धव कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए ताकि संविधान की 10वीं अनुसूची प्रभावी बनी रहे और उसका उल्लंघन ना हो। आरोप लगाया गया है कि डिप्टी स्पीकर को इस वक्त असहाय कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर नरहरि झीरवाल ने ही 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए नोटिस भेजा था। बाद में शिंदे गुट के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों ने उसे चुनौती दी थी और कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि विधायकों ने उनको हटाने का नोटिस पहले से दे रखा है। जो डिप्टी स्पीकर खुद अयोग्यता के राडार पर है, वो किसी विधायक की योग्यता निर्धारित नहीं कर सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को ही नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अभी बहुमत का इम्तिहान बाकी है। शिंदे ने 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है जो कि कल से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।